तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार है। अस्सलामु अलैकुम। ओके गाइस, आज हम इफ एल्स को पढ़ेंगे एंड इट्स वेरी इजी एंड बहुत आसान सा काम है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस जो स्लाइड्स हैं इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल क्वेश्चंस मौजूद हैं, जिसमें आपके पास जब सामने स्लाइड आए तो आप थोड़ी देर के लिए पॉज करें एंड देखें कि आप सपोज़ करें कि आपके ख्याल में इसको ड्राई रन करने के बाद इसके क्या आंसर आता है, एंड जब आप वो आंसर निकाल लें तो फिर वीडियो को दोबारा से प्ले करें एंड देखें कि उसका एक्चुअल आंसर क्या है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को हम खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और जो कुछ सैम्पल क्वेश्चंस होंगे फॉर एक्सरसाइज वो मैं आपके लिए छोड़ भी दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट जी। एंड अगेन हमेशा की तरह से स्टार्ट करने से पहले कोई अच्छी सी बात, टू लिव अ क्रिएटिव लाइफ वी मस्ट लूज आवर फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। सो अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सब डिफरेंट करना चाहते हैं, तो ये बात याद रखें कि जब आप कुछ नया कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें गलतियां भी होंगी और ये भी हो सकता है कि नाकामी हो जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव कर पाएंगे। सो लोगों इस चीज़ से घबराना नहीं है कि यार ये मैंने कुछ डिफरेंट किया तो इससे क्या हो गया। तो जैसे आज हम वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड तो इसमें भी कुछ खामियां होंगी, कुछ चीज़ें ठीक होंगी, तो उसमें मैंने परेशान नहीं होना। सो लेट्स स्टार्ट जी। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने याद रखने हैं, इनमें से अक्सर पॉइंट्स की शायद आपको समझ एट द एंड आए, लेकिन जस्ट स्टार्ट पर मैं बता रहा हूँ, बट ये एट द एंड ऑफ द जो हमारा ये लेक्चर है, आपको ये सारे पॉइंट्स 100% क्लियर होने चाहिए। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप इफ़ या एल्स की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके फ़ौरन बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता। नॉर्मली बाकी स्टेटमेंट्स के बाद हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर डालते हैं, बट इफ़ या एल्स के बाद आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डालते। इसी तरह एल्स के लिए इफ़ का होना ज़रूरी है, अगर आप किसी जगह भी एल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले इफ़ का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इफ़ यूज़ करें और एल्स यूज़ नहीं कर रहे तो इट्स नॉट अ मस्ट, राइट? ओके, इफ़ नो कंपाउंड स्टेटमेंट इज रिटन देन फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ पार्ट ऑफ इफ़ और एल्स। अच्छा, अगर हम इफ़ के बाद या एल्स के बाद कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं डालते हैं, उसकी बॉडी नहीं बनाते हैं, तो जो भी पहली स्टेटमेंट होगी सिर्फ वो इफ़ या एल्स का हिस्सा होगी। इसी तरह जैसे हमने अभी पहले कहा कि इफ़ या एल्स के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डालना होता, और अगर आप गलती से डाल देंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कि उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्प्टी स्टेटमेंट, वो बेसिकली इफ़ का इफ़ की बॉडी बन जाएगी। ठीक है, ओके, और उसके बाद अगर आपने कोई और बॉडी अपनी तरफ से बनाई हुई है तो वो जो कंपाइलर है वो उसको कंसिडर नहीं करेगा ऐसा बॉडी, बल्कि वो सिर्फ एम्प्टी स्टेटमेंट को उसकी बॉडी का हिस्सा मानेंगे। इसी तरह देर शुड नॉट बी एनी स्टेटमेंट बिटवीन बॉडी ऑफ इफ़ एंड एल्स। अगर इफ़ की बॉडी जैसी ख़त्म हो रही है, इफ़ की बॉडी जैसी ख़त्म हो रही है, उसके फ़ौरन बाद एल्स शुरू हो जाना चाहिए, वरना ये नहीं हो सकता कि एल्स और इफ़ की बॉडी के दरमियान कुछ और नहीं आ सकता। ठीक है, इसी तरह आप जो ये जो कांस्टेंट्स हैं ये असाइन किसी को नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी एक एरर होता है, इसको हम आगे देखेंगे एग्जांपल्स में, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इसी तरह एक दो और इम्पॉर्टेंट बातें, हमने एंड गेट्स जो पढ़ा था उसके अंदर दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, और अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ऑब्वियसली सेकेंड कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सो क्योंकि एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट रिज़ल्ट तो फिर फॉल्स आएगा। सो प्रोसेसिंग स्पीड को बेहतर करने के लिए जैसे ही पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर एंड गेट में हम सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करते हैं। ठीक है, यू कीप द सेकंड योर माइंड। अच्छा, इसी तरह इफ़ के अंदर या जहाँ पर भी हम कंडीशन यूज़ कर रहे होते हैं, अगर वहाँ पर हम कोई नॉन ज़ीरो नंबर जस्ट प्लेस कर दें तो ये हमेशा ट्रू होता है, और इसी तरह अगर हम ज़ीरो प्लेस कर दें दैट इज़ फॉल्स। इसी तरह डबल इक्वल्स टू इज़ कंपैरिजन, वेयर एज सिंगल इक्वल्स टू इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। इन दोनों में फ़र्क होता है, तो बाज़ूकात हम जहाँ पे कुछ यूज़ करना चाह रहे होते हैं डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन, वहाँ पर बाज़ूकात हम गलती से असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। सो वी नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इन आवर माइंड, राइट? फाइव एंड सिक्स इक्वल्स टू फाइव इज़ नॉट अलाउड एज कॉन्स्टेंट्स कैन नॉट बी असाइन टू
कॉन्स्टेंट. सो यहाँ पे सिक्स इक्वल्स इक्वल टू फाइव नहीं चेक हो रहा बल्कि ये फाइव सिक्स का साइन होने की कोशिश हो रही है, विच इज़ नॉट अलाउड राइट. ओके अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, पहली स्लाइड है. इसके अंदर हमने ये प्रिंट एफ जो है वो सी आउट कराएं या प्रिंट एफ करवाएं एक ही बात होती है. सो हमने यहाँ पर 0, 1, 2 और 3 को प्रिंट कराया तो इसकी सिंपल सी आउटपुट आ जाएगी 0, 1, 2, 3 बिकॉज इसके ऊपर कोई इफ एल्स कोई ऐसा चेक नहीं लगा हुआ. ठीक है, इसी तरह हमने ये अगेन है इसमें स्लाइड में हमने वही प्रिंट कराए हुए हैं, सी आउट करवाया हुआ है एंड कुछ चीज़ों को हमने आगे पीछे कर दिया. तो इसको आगे पीछे करने से, अलाइनमेंट को आगे पीछे करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, आउटपुट स्टिल सेम 0, 1, 2, 3 हो गया. बट अब यहाँ पर हमने जो इफ की कंडीशन लगा दी है फेज ग्रेटर देन बी, इसमें अब दो तीन पॉइंट्स हैं याद रखने वाले. जो हमने प्रिंट कराया हुआ है ज़ीरो को, दैट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनीथिंग राइट, ये किसी इफ एल्स के ऊपर नहीं है, ये तो हमेशा ही प्रिंट होगा ही होगा. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, वरना इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होते. अब इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें इफ़ की बॉडी है क्या, तो इसमें इफ़ की बॉडी जो है वो सिर्फ आपकी पहली स्टेटमेंट है, दैट इज़ प्रिंट एफ वन. जो टू और थ्री है, प्रिंट टू एंड प्रिंट थ्री, ये स्टेटमेंट बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट्स इफ़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. जैसे भी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर हम इफ़ की के बाद उसकी बॉडी नहीं बनाते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं डालते हैं, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है वो सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है. सो अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो वन प्रिंट होगा, वरना वन प्रिंट नहीं होगा. अलबत्ता 0, 2 और 3 ये इफ़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. सो ये 0, 2 और 3 ने तो प्रिंट होना ही होना है. सो नाउ अब हम इवेल्यूएट करते हैं हमारी कंडीशन को, एंड कंडीशन थी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए जबकि 5 है बी 6 है, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 6. सो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हमारी जो 1 है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी. सो जब इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी सो ऑब्वियसली प्रिंट होगा 0, 2 और 3. लेट्स सी जी आउटपुट क्या आएगी. तो ये पॉसिबिलिटी थी, तो हमारे पास जो एक्चुअल आंसर है 0, 2 और 3 राइट, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी. ओके अब यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो टू है उससे पहले हमने एल्स डाल दिया है. सो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वन प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो टू प्रिंट होगा. इफ़ एल्स में हमें याद है कि इफ़ और एल्स में क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, फिर एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, ये बात याद रखनी है. और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती बल्कि एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती है. सो अगर हम देखें अच्छा, ज़ीरो अगेन इंडिपेंडेंट है, थ्री इज़ इंडिपेंडेंट, पहले हम ये क्लियर कर लें. और हमने इसमें बॉडी नहीं बनाई हुई, इसी तरह एल्स की बॉडी नहीं बनाई हुई, तो थ्री इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एल्स. ये थ्री जो है, सिर्फ टू जो है वो बेसिकली एल्स का की बॉडी का हिस्सा है. सो ज़ीरो एंड थ्री आर इंडिपेंडेंट, वन एंड टू आर डिपेंडिंग अपॉन इफ़ एंड एल्स. ओके सो अब कंडीशन को हम चेक करते हैं, कंडीशन क्या है हमारी. कंडीशन थी 5 इज़ ग्रेटर देन 6, तो जिस कंडीशन इज़ फॉल्स. सो इफ़ नहीं एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा, तो आउटपुट आ जाएगी 0, 2 और 3. ओके सो आउटपुट इज़ 0, 2 और 3. ओके अब हमने अपनी कंडीशन बदल दी है, और कंडीशन कर दी है हमने इस क्वेश्चन में ए इज़ लेस देन बी मीन्स 5 इज़ लेस देन 6. येस ट्रू. सो जब ये ट्रू हो जाएगी तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो आउटपुट आएगी 0, 1 और 3. जो एल्स की बॉडी थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई एंड एल्स की बॉडी क्या थी, 2. थैंक यू. सो डन. ओके अब हमारे पास कंडीशन है इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी. जो रिलेशनल ऑपरेटर थे हमारे पास, एक और रिलेशनल ऑपरेटर था लेस देन इक्वल्स टू बी, 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, यानी 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6. येस इट इज़ अगेन ट्रू, तो आउटपुट विल बी 0, 1 और 3. एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा और एल्स में क्या है, 2. तो 0, 1 और 3. ओके इसी तरह हमारे पास ए इज़ ग्रेटर देन बी था. अगेन ये थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे. 5 इज़ ग्रेटर देन 6 है, अगेन फॉल्स, तो इट विल प्रिंट 0, 2 और 3. ओके 0, 2 और 3. इसी तरह से हमारे पास स्टेटमेंट है ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी राइट. 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, नो फॉल्स. जो 0, 2 और 3, फाइन डन. ओके अब हमारे पास आ रहा है अच्छा, अब ये अगेन हमने स्लाइड के शुरू में एक समरी के तौर पे कहा था कि अगर कंडीशनल स्टेटमेंट में कंडीशन वाली जगह पर आप कोई डायरेक्ट वेरिएबल लिखते हैं या कोई कांस्टेंट लिखते हैं, तो वो कांस्टेंट अगर या वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है दैट इज़
non-zero, 5 is non-zero, minus 5 is again, remember, minus 5 is again non-zero, तो उस सूरत में condition true हो जाएगी. So, इस program को आप जितनी दफ़ा run करेंगे, हमेशा same output आएंगे, and वो output क्या है, 0, 1 and 3, 0, 1 and 3, because if की condition true है, तो else execute नहीं हुआ, okay. So, 0, 1 and 3, okay. So, अब यहाँ पर हमने again, अच्छा, यहाँ पर interesting काम क्या हुआ हुआ है, यहाँ पर हमने if के बाद फिर if डाल दिया. So, if एंड इफ, ये दो इफ हैं, मतलब अगर पहला इफ ट्रू होगा तो दूसरा इफ चेक होगा, तो पहला भी ट्रू था, दूसरा भी ट्रू था, तो 1, 0, 1 and 3 आउटपुट आएगी. इट्स जस्ट लाइक दिस थिंग, जैसे अभी हमने लिखा, तो इफ 5, अगर 5 ट्रू होगा तो अगला इफ एग्जीक्यूट होगा. और रिमेंबर दिस थिंग, जो भी एल्स होता है वो उससे ऊपर वाले इफ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है. तो ये जो एल्स है प्रिंट एफ टू, ये इफ 3 वाले जो इफ है जिसके अंदर 3 लिखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि 5 वाले पे, ठीक है. ओके जी, थैंक यू. सो अगर ये आउटपुट क्या आएगी, 0, 1 and 3, ओके. सो इफ 5 अगेन ट्रू है, तो इफ 0 अगेन फॉल्स है, तो इसमें 2 प्रिंट हो जाएगा, तो 0, 2 and 3 आउटपुट आ जाएगी. अच्छा, इसी तरह से हमारे पास अगर मतलब ये जो ये स्टेटमेंट ऐसे लिखी है, आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, ठीक है. एंड इसमें याद रखने हैं कि जो भी एल्स है, पिछले क्वेश्चन में भी हम यहाँ देख लेते हैं कि जो भी एल्स है वो इफ़ के ऊपर डिपेंडेंट है. सो यहाँ पर जो अगर आप और से देखें तो ये एल्स प्रिंट एफ टू जो है ये किस पे डिपेंडेंट है, इफ़ 3 पे डिपेंडेंट है, ठीक है, उस स्टेटमेंट के ऊपर. और इफ़ 3 वाली स्टेटमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इफ़ 5 पे, तो हम इसको यूँ लिखेंगे, राइट, ठीक है. एंड इसी तरह ये क्वेश्चन था, इसको भी हम यू लिखेंगे. आपको इसमें पहली कंडीशन ट्रू हो गई, इफ़ 5 वाली ट्रू हो गई, इफ़ 0 वाली फॉल्स हो गई, तो इसमें प्रिंट एफ 2 हुआ, और ऑब्वियसली 3 ने तो प्रिंट होना ही होना था, तो इट विल प्रिंट 0, 2 and 3 हो गया. अब इसके अंदर इसको अगर हम देखें तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसमें जो हमारी पहली कंडीशन है वही फॉल्स हो गई है. तो जब पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई है तो उसकी वजह से हम सेकेंड कंडीशन जो इफ़ 1 है, जो कि इफ़ 0 वाले पे डिपेंडेंट थी, वो फॉल्स हो गई, तो उस पर तो हम गए ही नहीं, तो एल्स पर भी नहीं गए. इसके साथ एल्स नहीं है, इफ़ 0 वाले के साथ एल्स नहीं है, तो आउटपुट विल बी 0 and 3. ओके, इसमें किसी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू कैन सेंड मी द मैसेज एंड मैं उस पर आपको आंसर दे दूँगा. एंड आई रिपीट कि जस्ट इमेजिन इट्स लाइक दिस 0, 1, 2, इसको आप ऐसे ही समझें जैसे यहाँ पर 0 लिखा हो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम अंदर तो आएंगे नहीं, चाहिए यहाँ 5 लिखा हो, 20 लिखा हो, डज नॉट मैटर. सो यहाँ पर चेक ही नहीं हुआ, जब चेक नहीं हुआ तो इसके ट्रू फॉल्स होने की तो बात ही नहीं बनती, ठीक है. सो इस केस में मैं इस केस के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इसको अगर हम ऐसे बना, ओके. सो यहाँ पर अगेन -5 है, एंड -5 मीन्स ट्रू, तो इट विल प्रिंट 0, 1 and 3, ओके. ओके, फिर हमारे पास आ जाता है 0, तो प्रिंट होना ही था, इफ 0 जस्ट बिकम्स फॉल्स, 0, 2 and 3, ओके. -5 के अगेंस्ट, अब इसमें जो इफ़ की बॉडी है वो उसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, जबकि एल्स के अंदर 2 स्टेटमेंट्स हैं. सो एल्स के ऊपर 2 and 3 डिपेंड करती हैं एल्स पर, यानी अगर इफ़ फॉल्स होगा तो 2 and 3 प्रिंट होगा, वरना 2 और 3 प्रिंट नहीं होगा. जबकि इफ़ के ट्रू होने पर सिर्फ हमारे पास एक स्टेटमेंट है, दैट इज़ 1. सो अगर और इफ़ की कंडीशन क्या ट्रू है कि फॉल्स है, येस इट इज़ ट्रू, सो इट विल प्रिंट 0, 1 and 4. 2, 3 स्केप हो गया क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू थी, ओके. 0, 1 and 4, ओके. अब यहाँ पर हमारे पास जो इफ़ 0 लिखा हुआ है, दैट 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, तो इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इफ़ के ऊपर जो स्टेटमेंट्स डिपेंडेंट थी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, एंड वो सिर्फ जस्ट थी 1 की. सो आउटपुट विल बी 0, 2, 3 and 4, ओके. अगेन यहाँ पर एल्स के अंदर हमने अब बॉडी ख़त्म कर दी है. अच्छा, ये प्लीज़, ये जो वेरिएबल नेम्स हैं और ये पी कहीं कैपिटल है, एल्स का ई कैपिटल है, सो प्लीज़ ये स्लाइड्स में जब लिखा था तो उसकी वजह से गड़बड़ हो गई, बट इसको आप उस हिसाब से ना देखें, आप फ्लो के हिसाब से चीज़ को देख लें, ठीक है. जब आप इसको अगर कंप्यूटर पर राइट करेंगे तो ऑब्वियसली आप प्रिंट एफ या ई फाइल्स वगैरह को स्मॉल में, या वेरिएबल नेम ऊपर स्मॉल में डिक्लेयर है, आगे कैपिटल हुआ है, तो इसको प्लीज़ सेम कंसिडर कीजिएगा, ठीक है, ओके. सो यहाँ पर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है, तो इट विल प्रिंट 0, 2, 3 and 4, राइट. एंड इसमें याद रखें 3 इफ़ के ऊपर या इफ़ के ट्रू या फॉल्स होने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ओके.
इस केस में अब हम गौर से देखें तो अगेन ज़ीरो तो प्रिंट होगा, कंडीशन ट्रू हो गई इसलिए वन प्रिंट होगा। अब क्वेश्चन था कि एल्स में टू थ्री में से क्या प्रिंट होगा और क्या स्केप होगा, तो जो टू है वो तो एल्स के ऊपर डिपेंडेंट है जबकि थ्री इज़ नॉट डिपेंडेंट, सो इट विल प्रिंट ज़ीरो वन थ्री एंड फोर। ठीक है, ज़ीरो वन थ्री एंड फोर, टू नहीं प्रिंट हुआ बिकॉज हमने बॉडी नहीं बनाई हुई, तो एल्स की बॉडी कैसा, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, दैट इज़ टू। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो अब हमने यहाँ पर एल्स के फ़ौरन बाद एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाल दिया, एंड दैट स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज़ ऑल्सो नोन एज एम्प्टी स्टेटमेंट। सो एक्चुअली एल्स की बॉडी का हिस्सा प्रिंट एफ टू नहीं है, बल्कि एल्स की बॉडी का हिस्सा सिर्फ ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, जो कि हमें नहीं लगाना चाहिए। ये नॉर्मली एरर होता है, मतलब एरर लॉजिकल एरर है, सिंटैक्स एरर तो नहीं है बट लॉजिकल एरर है। सो अब कंपाइलर इसको इस तरह से रीड करेगा जैसे एल्स की बॉडी में आपने जस्ट एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाला हुआ है, टू एंड थ्री आर इंडिपेंडेंट। सो कंडीशन जब हमारी ट्रू है, ज़ीरो तो प्रिंट हुआ ही हुआ, कंडीशन ट्रू थी तो वन प्रिंट हुआ, और एल्स में एम्प्टी स्टेटमेंट स्किप हो गई, बट टू थ्री फोर आर इंडिपेंडेंट, सो इट आउटपुट आएगी ज़ीरो वन टू थ्री फोर। ये बात याद रखना, ठीक है जी। सो टू इज़ नॉट पार्ट ऑफ एल्स बॉडी एज देयर इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज, ठीक है, इसमें से गड़बड़ी। ओके, सो अगेन अब यहाँ पर हमने इफ़ के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाला हुआ है, तो इसमें इफ़ की बॉडी, अच्छा यहाँ पर आपने ज़रा सोचना है, पॉज करें, सोचें कि इसका क्या आंसर होगा, एंड जब आप आंसर निकाल लें तो फिर आगे वीडियो को देखिएगा। सो प्रिंट एफ ज़ीरो तो ठीक है, अच्छा इफ़ के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाला हुआ है, दिस मीन्स कि इफ़ की बॉडी तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, वन इज़ नॉट बॉडी ऑफ इफ़, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सो अगर वन जो है इफ़ की जो प्रिंट एफ वन लिखा हुआ है ये इफ़ की बॉडी का हिस्सा नहीं है, और टू जो है वो एल्स की बॉडी का हिस्सा नहीं है, थ्री भी नहीं है, फोर भी नहीं है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। एक रूल और भी हमने पढ़ा था शुरू में, मैंने डिस्कस किया था, बात की थी कि एल्स से ऊपर हमेशा इफ़ की बॉडी होती है। सो एल्स से ऊपर क्या इफ़ की बॉडी ख़त्म हो रही है, नहीं हो रही है, ये तो बीच में प्रिंट एफ आ गया, तो जब बीच में प्रिंट एफ आ जाए तो फिर हम रुक जाते हैं, एंड दैट बिकम्स अ सेंटेक्स एरर। सो दिस इज़ नॉट अलाउड, तो ये सेंटेक्स एरर आ जाए, राइट जी। ओके ओके, अब अगेन यहाँ पर हमने इफ़ के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाल दिया, एल्स के बाद भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाल दिया, तो इफ़ और एल्स की कोई बॉडी नहीं है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स हैं, तो जीरो टू थ्री फोर आउटपुट आ जाएगी, बिकॉज इस सूरत में इफ़ के बाद यह स्टेटमेंट टर्मिनेटर है बट एल्स के ऊपर, एल्स से पहले इफ़ की बॉडी ही एंड हो रही है, एल्स और इफ़ की बॉडी के दरमियान कोई एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं है, सो देयर इज़ नो सेंटेक्स एरर, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो इस केस में अगेन सेंटेक्स एरर, और इसको मिसप्लेस एल्स या एल्स विदाउट इफ बोला जाता है, ठीक। सो अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब इसमें एल्स की बॉडी के आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, सो टू थ्री फोर आगे इंडिपेंडेंट, बाकी तो इसमें कोई खास बात नहीं है, तो आउटपुट विल बी जीरो वन टू थ्री फोर, राइट। ओके, सो अगेन यहाँ पर अब गौर से देखते हैं, दरअसल अगेन रिकॉल कर रहे हैं, तो इसमें जब इफ़ की बॉडी ट्रू हो गई, इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई, तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट हुई, एल्स की नहीं हुई, जीरो वन थ्री फोर, राइट। ओके ओके, अब एंड गेट में हमने क्या देखा था, वन एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो वन एंड वन इज़ वन, ज़ीरो एंड वन इज़ ज़ीरो, ज़ीरो एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो। सो हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर दोनों का, दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है, एंड गेट के अंदर। जबकि और गेट के अंदर क्या होता था कि अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आ रहा है, और कंडीशन फॉल्स कब होती है, जब दोनों स्टेटमेंट्स आपकी फॉल्स हो जाएं, तो और वाले केस में फॉल्स हो जाता है, ठीक है। सो इफ़ यू, इसकी एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि अगर आपने पास होना है तो आपने अच्छा, चलो अगर आपने ग्रेड अच्छा लेना है तो आपको मुझे एक लाख रुपया भी देना पड़ेगा, एंड आपको मुझे कोई सिफारिश भी लगानी पड़ेगी, तो ये दोनों केसेस, दोनों चीज़ें आपने पूरी करनी है। तो अगर कोई बंदा मुझे एक लाख रुपया दे दे लेकिन सिफारिश ना लाए तो भी पास नहीं हो सकता, अच्छा ग्रेड नहीं आएगा उसका, एंड अगर कोई सिर्फ सिफारिश ले आए, पैसे ना दे, फिर भी नहीं होगा, ठीक। सो व्हाट वी नीड इज़ कि आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, तो दोनों काम करेंगे तो आपको अच्छा ग्रेड मिलेगा, वरना अच्छा ग्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। हो गया, फिर हम और वाले केस में देखते हैं, मगर यार या तो सिफारिश ले आओ या एक लाख रुपया दे दो, तो अगर आप में से कोई एक सिफारिश ले आता है तो भी पास हो जाएगा, अगर कोई एक लाख रुपया दे देता है फिर भी पास हो जाएगा, और कोई दोनों काम कर देता है तो फिर तो ऑब्वियसली पास ही नहीं होना था। हाँ, फेल कब होगा, ना सिफारिश लाए ना एक लाख रुपया। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट, ठीक है, जस्ट अ जोक। ओके ओके,
सो अब यहाँ पर हम जस्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर हम थोड़ा सा देख रहे हैं ये जो एंड ऑपरेटर है, दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली दिस इज़ एंड ऑपरेटर, राइट। तो ट्रू एंड ट्रू मीन्स बी में क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, हम जस्ट इसको उस हिसाब से देख रहे हैं समझने के लिए कि ट्रू एंड ट्रू इज़ ट्रू। ओके, सो फॉल्स एंड ट्रू इज़, आई रिपीट, आप यहाँ पर मेरा आंसर सुनने से पहले चीज़ों को पॉज कर सकते हैं एंड देन जब आपको समझ आ जाए उसके बाद आप गेम प्ले करें और देखें। ओके, फॉल्स एंड ट्रू इज़, दोनों में से पहली ट्रू फॉल्स है तो दूसरे के ट्रू ट्रू या फॉल्स होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो इट्स फॉल्स, राइट। ओके, फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। ओके, फॉल्स एंड ट्रू इज़ अगेन फॉल्स। वन मीन्स वॉट, ओके दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वन मीन्स ट्रू, ओके ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, राइट। ओके, फाइव एंड ट्रू, फाइव मीन्स वॉट, ट्रू, सो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। माइनस फाइव एंड ट्रू, दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, माइनस फाइव इज नॉन जीरो, ओके नॉन जीरो इज ट्रू, तो ये भी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, गुड, यू आर अंडरस्टैंडिंग। जीरो एंड ट्रू, जीरो मीन्स वॉट, जीरो मीन्स फॉल्स। रिमेंबर दिस थिंग कि जब हम जीरो की बात करते हैं तो जीरो वो नंबर है दैट इज ऑलवेज फॉल्स, जीरो के अलावा कोई भी नंबर होता तो वो ट्रू हो जाता, तो फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, राइट। ओके, फॉल्स एंड ट्रू, फाइव इज ट्रू, जीरो इज फॉल्स, तो फॉल्स एंड ट्रू मीन्स फॉल्स। ओके, फॉल्स एंड फॉल्स, ऑब्वियसली फॉल्स। ओके, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स। अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट और ऑपरेटर एंड दैट बिकम्स ट्रू और ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू हो जाता है तो आंसर ट्रू हो जाता है, तो यहाँ तो दोनों ही ट्रू हैं तो आंसर वुड बी ट्रू। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर और ऑपरेटर में पहली कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर अगेन हम दूसरी चेक नहीं करते हैं, तो क्योंकि पहली ही ट्रू थी तो इसलिए ट्रू। ओके, फॉल्स और ट्रू, यस ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, ओ यस ऑब्वियसली फॉल्स। ओके, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू। अच्छा, फोर और फाइव मीन्स फोर भी ट्रू है एंड फाइव इज ट्रू, सो इट्स ऑब्वियसली ट्रू। ओके, ट्रू और फॉल्स, अगेन ट्रू, फॉल्स और ट्रू, यस ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, यस फॉल्स, अगेन। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर जो पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट बिकम जीरो प्लस टू बिकम्स टू एंड जीरो माइनस थ्री बिकम्स माइनस थ्री, सो इट बिकम्स टू और माइनस थ्री अगेन बिकम्स माइनस टू इज़ ट्रू एंड माइनस थ्री इज़ ट्रू, सो ट्रू और ट्रू इज ट्रू। फोर प्लस फोर दैट बिकम्स एट एंड थ्री माइनस थ्री इज ज़ीरो, सो एट और ज़ीरो इज ट्रू। ओके, फोर प्लस फोर इज एट एंड थ्री माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री बिकम्स ज़ीरो एंड फोर प्लस फोर बिकम्स एट। पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो एट एंड ज़ीरो बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। और अभी हम इसकी मज़ीद आगे प्रैक्टिस आप ऐसे ही करते जाएं, एंड और हो, ऑपरेटर हो, और ऑपरेटर हो, तो पहले क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है, सो जब एंड और आ जाएं तो हमेशा पहले एंड ऑपरेटर परफॉर्म होता है फिर और होता है, लेकिन जब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाएँ क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं, इनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, तो पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, तो ए माइनस वन बिकम ज़ीरो, ओके दैट बिकम ज़ीरो। बी प्लस टू, बी प्लस टू इज़ व्हाट, बी प्लस टू इज़ टू प्लस टू फोर, ओके एंड सी माइनस टू, सी माइनस टू थ्री माइनस वन दैट बिकम्स वन, सो दिस बिकम ज़ीरो और फोर एंड माइनस वन। अच्छा, ये ऑपरेशन पहले होगा, एंड ऑपरेटर पहले होगा, सो दिस बिकम्स थ्री, टू प्लस टू फोर, फोर एंड फोर एंड वन, फोर एंड वन मीन्स ट्रू, सो ये ओवरऑल इसका आंसर तो ट्रू आ गया एंड ए माइनस वन ये फॉल्स, तो ज़ीरो एंड ट्रू मीन्स ज़ीरो और सॉरी ज़ीरो एंड ज़ीरो और ट्रू मीन्स ट्रू एंड ट्रू मीन्स डी में क्या जाएगा वन। ओके, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई टू और ज़ीरो माइनस थ्री, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई टू इज़ ज़ीरो एंड ज़ीरो माइनस थ्री इज़ माइनस थ्री, तो ज़ीरो और माइनस थ्री इज़ ऑलवेज ट्रू। सो इसी तरह से ये क्वेश्चन हैं, आप आगे इसकी प्रैक्टिस करते जाएँ एंड सी एंड यहाँ तक हम इफ़ एल्स को
एंड ऑपरेटर्स को हमने देख लिया है, और अगले सेशन के अंदर अभी हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे इफ़ के बाद, इफ़ एल्स के बाद। इफ़ एल्स तो हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो चॉइसेस हों। अब हम देखेंगे जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हों तो फिर कैसे देखा जाए। थैंक यू।